सो है गाइज, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग क्या प्रोडक्ट्स ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई है किस तरीके से आप बी एन वीडियो एडिटर के अंदर अमेजिंग लिरिकल स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो देखना इस वीडियो को लास्ट तक हो और स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बी एन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। सबसे पहले आपको नीचे प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन ऊपर में आपको वीडियो एंड फोटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से फोटो ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से वही पिक्चर चूज करेंगे जिस पिक्चर पर आप लिरिक्स लिखना चाहते हो, ठीक है, यानी स्टेटस वीडियो पर इस्तेमाल करने वाले हो। तो यहाँ से मैं अपना पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पर पिक्चर ढूंढने पर नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से डायरेक्टली फोल्डर से अपना इमेज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको इस कॉर्नर पे एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे देन आप सीधा आ जाएंगे बी एन वीडियो एडिटर के अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है, ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है, इसको आप डिलीट कर लेंगे सबसे पहले किसी भी चीज़ एडिट करने से पहले। उसके बाद आप अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे जो पिक्चर आप ऐड करोगी। देन आपको क्या करना है, उस पिक्चर की एंड साइड को पकड़ के आपको उसे राइट साइड की तरफ इस तरीके से लेके जाना है, यानी उसको उसका जो टाइमलाइन उसको आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने इसका जो टाइम ड्यूरेशन निकाल लिया 22 सेकंड, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसका टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली ऊपर में जो ओरिजिनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको चूज करना है 9:16 एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। दैट्स इट, अभी आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है टैप टू ऐड स्टिकर पीआईपी के ऊपर, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो स्लैश फोटो को चूज कर लेंगे। देन अभी आपको यहाँ से मैं जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको हर चीज़ें लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम इस इफेक्ट्स को ऐड करेंगे, आप देख सकते हो कितना शानदार इफेक्ट्स हमारा ऐड हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेता हूँ मेरे स्मार्टफोन का, ठीक है। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से बड़ा कर लेना है पूरी स्क्रीन पर, काफ़ी ध्यान से आपको इसे पूरी स्क्रीन पर फिट करना है ताकि जो व्हाइट बॉर्डर दिखाई दे रहा है वो हमारी अंदर चला ना जाए, ठीक है, बाहर ऐसा ही दिखे। अभी हमें क्या करना है, सिंपली अपनी ओवरले के ऊपर क्लिक करना है और राइट पे स्क्रॉल करने में आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको स्क्रीन को चूज़ करना है, ठीक है, उसके बाद कर देना है डन। ओके, तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये डुप्लीकेट का ऑप्शन कहाँ पर है, ये रहा डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करके आप इसे डुप्लीकेट कर लेंगे और इनमें से किसी एक इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके उसे आप आगे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको नहीं चाहिए उसको आप यहाँ पर कट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्प्लिट करेंगे देन डिलीट के ऊपर क्लिक करके उसे डिलीट कर लेंगे, दैट्स इट। जैसे कि आप देख सकते हो ओवरले हमारी पूरी वीडियो पर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद आप दोबारा क्लिक करेंगे पीआईपी के ऊपर, यहाँ से आप वीडियो स्लैश फोटो को चूज करेंगे और इस पर हमें यहाँ पर और एक इफेक्ट्स को ऐड करना है। तो ये रहा, आप देख सकते हो इसे हमें इस तरीके से बड़ा करना है। दोबारा हमें पीआईपी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से वीडियो स्लैश फोटो को चूज कर लेना है और अभी आपको यहाँ से अपनी सॉन्ग का लिरिक्स ऐड करना है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि लिरिक्स मिलेगा कहाँ मुझे, तो डोंट वरी, लिरिक्स आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको दिखाया था। सबसे पहले तो यहाँ से मैं अपना लिरिक्स ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने अपना लिरिक्स ऐड कर लिया। तो अगर आप एग्जैक्टली इसी तरीके का लिरिक्स बनाना चाहते हो, लिरिक्स वीडियो बनाना चाहते हो, लेकिन आप अपनी फोटो इस्तेमाल करना चाहते हो और किसी भी लैंग्वेज का आपको सॉन्ग चाहिए, ठीक है, जैसे कि मान लो आपको हिंदी लैंग्वेज का सॉन्ग चाहिए हिंदी टेक्स्ट के साथ, अगर आपको मान लो मराठी का सॉन्ग चाहिए मराठी टेक्स्ट के साथ, तो आप सिंपली यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाके आप किसी भी सॉन्ग लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद ब्लैक स्क्रीन स्टेटस लिख के आप सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ढेर सारे ब्लैक स्क्रीन मिल जाएगा, वहाँ से आपको जो भी अच्छा लगे प्ले करके उसको आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो इसी तरीके से मैंने भी इसको YouTube से डाउनलोड किया, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसको हमें इस तरीके से बड़ा कर लेना है,
राइट पे स्क्रॉल करना है और यहाँ से ब्लेंडिंग को चूज करना है। यहाँ से सिंपली कर देना है स्क्रीन, ओके। उसके बाद आप चाहो तो इसे थोड़ा ऊपर रख सकते हो, ठीक है, जैसे कि आप इसका जो पोजीशन उसे चेंज कर सकते हो, दैट्स इट। अगर आपकी सॉन्ग का जो साउंड हो चला जाता है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, वॉल्यूम आप देख सकते हो। सॉन्ग का उस लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा, वॉल्यूम के ऊपर क्लिक कीजिएगा, इसका वॉल्यूम कर देंगे इंक्रीज, ओके। अगर वॉल्यूम चला जाता है तो ही आप ऐसा कीजिएगा, ठीक है, वरना अगर रहता है वो चला जाएगा अगर आप ऐसा करते हो तो। उसके बाद अगर आप अपने वीडियो को प्ले करेंगे तो आप देख सकते हो कितना शानदार हमारा लिरिक्स वीडियो क्रिएट हो चुका है। ओके, तो लिरिक्स वीडियो बन जाने के बाद आपको इस कॉर्नर पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसका रेजोल्यूशन चूज़ कर लेंगे। अगर आप 4K एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप 4K चूज़ करेंगे, बट मैं 2K चूज़ करूँगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी नीचे जो भी सेटिंग दिया गया है उसी से सिंपली डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एंड देन आप देख सकते हो नीचे हमारा वीडियो रेंडरिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से आप BN वीडियो एडिटर के अंदर अमेजिंग लिरिकल स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी ईजी हो, मैं आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप लिरिक्स वीडियो एडिट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।